आई होप कि आप मेरी वीडियोस को इन्जॉय भी कर रहे होंगे और आप उस पर कॉमेंट भी कर रहे हैं, विच आई एम रियली इन्जॉइंग. सो प्लीज रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड कॉमेंट. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम. आई होप दैट एवरीवन इज़ वेल. एंड मैं जो आप लोगों के साथ अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, आप उनको इन्जॉय करते हैं. आज मैं आपसे बात करूँगी अपने पर्सनल डाइट प्लान की. मुझसे लोग पूछते हैं कि चलो तुमने अपनी फिटनेस और एक्सरसाइज की टिप्स तो हमारे साथ शेयर की, और मैं और भी शेयर करूँगी, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं, आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं खाती पीती क्या हूँ. सबसे पहले मैं दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी, यानी कि 2.5 to 3 liters ऑफ वाटर पीती हूँ. सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है. दूसरी बात, मैं 6 से 8 घंटे अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करती हूँ. यूजुअली मेरी कोशिश यही होती है कि 8 घंटे तो मैं सोऊं. ये दो जब चीज़ें हम कर रहे होते हैं और उसके साथ हम एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, तो हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक हेल्दी की तरफ चला जाता है. लेकिन उसके साथ साथ खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. किसी भी डाइट पे जब हम जाते हैं या वेट लूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो 70% हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते वो इफ़ेक्ट करता है हमारे वेट गेन या वेट लॉस को. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल करें. अब इसका ये मतलब नहीं है कि दिन में आप 6 केले खा लें और 6 आम खा लें और साथ में जो भी आपको हैवी हैवी चीज़ मिले आप उसको कंज्यूम करें. आपने बैलेंस के साथ, यानी कि मियाना रवि के साथ आगे चलना है. जब भी आप अपने बॉडी के सिस्टम को इम्बैलेंस करेंगे तो आपके लिए इश्यूज़ बनेंगे. एक तो मेरा जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन है उसमें मैं ऑयल कौन सा यूज़ करती हूँ. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोकोनट ऑयल में खाना बनाऊँ और जैतून के तेल में या बादाम के तेल में. बाय द वे, स्वीट आमंड ऑयल जो होता है वो कड़वा नहीं होता. बादाम का तेल हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इनसे सैलड्स बहुत अच्छे बनते हैं. अगर अपना खाना कुक करना है तो आप कोकोनट ऑयल के अंदर भी बड़े आराम से पका सकते हैं, वो टॉक्सिक नहीं होता. और अगर आपने ऑलिव ऑयल को कुकिंग के लिए यूज़ करना है तो पहले चेक करें कि कहीं कुक करने से वो ऑयल टॉक्सिक तो नहीं हो जाता. इट डिपेंड्स. बट अगर आप प्रॉपर खाना बनाना चाहते हैं किस चीज़ में, तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है. ये बिल्कुल झूठ है कि अगर आपने वेट कम करना है तो अपनी डाइट में से तेल बिल्कुल ख़त्म कर दें. कोई भी डाइट प्लान जो आपकी सिस्टम में से कोई भी मेजर फूड ग्रुप निकाल देती है, जैसे का कार्बोहाइड्रेट निकाल दिया, फैट निकाल दिया, या प्रोटीन निकाल दिया, या मिनरल्स और वाइटमिन निकाल दिए, तो वो आपके साथ गलत और ज़्यादती कर रहे हैं. आगे जाके इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे. मैं ऑल्सो कोशिश करती हूँ कि मेरी डेयरी का जो कंटेंट है, जैसे कि दूध हो गया या दही हो गया, वो डेली एक सर्टन अमाउंट का हो. 1 ग्लास दूध का पी लेती हूँ, या फिर मैं कोशिश करती हूँ कि योगर्ट का इस्तेमाल करूँ जिसमें बहुत से प्रोबायोटिक्स होते हैं और वो निज़ामे हज़म के लिए बहुत अच्छे होते हैं. अब हम फ्रूट्स की जब बात करते हैं तो पपाया, यानी कि पपीता, आपके लिए बहुत अच्छा है. अगर आप थोड़ा सा पपीता डेली सुबह खा लें तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरह से चलेगा. उसके अलावा एग, अंडा भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है. देसी अंडा मिल जाए तो बेहतरीन है. कोशिश ये होती है कि 1 अंडा या 2 अंडे डेली मैं खाऊं, चाहे मैं उनको बॉईल करके खा लूं, पोच करके खा लूं, अगर फ्राई करना है तो थोड़े से कोकोनट ऑयल में उसको कुक कर लिया, या ऑमलेट बना लिया. आजकल तो नॉनस्टिक पैन में आपको पता है ऑमलेट बड़े आराम से बन जाता है, तेल डालना भी नहीं पड़ता अगर आप अवॉइड कर रहे हैं. बट लाइक आई सेड, 2 से 3 tablespoons तेल के दिन में कंज्यूम करने में कोई ख़राबी नहीं है, और 2 से 3 tablespoons काफ़ी होते हैं. अगर आलू खाने का दिल चाह रहा है तो चिप्स खाने की ज़रूरत नहीं है. आप मैश पोटैटो भी खा सकते हैं. आलू को लिया, मैश किया, उसके अंदर थोड़ा सा आपने दूध, नमक और काली मिर्च डाल दिया, थोड़े से उसके अंदर कोई हर्ब डाल दी, तो बहुत मज़े के मैश पोटैटोज़ बन जाते हैं. मसला तब आता है जब आलू को आप डीप फ्राई कर देते हैं या उस पर मैदा लगा के उसको फ्राई कर देते हैं. इसी तरह टमाटर, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर यू. मैं तो इसी तरह नॉर्मल टमाटर का पीस काट के थोड़ा सा उसके ऊपर सॉल्ट डाल के उसको खा लेती हूँ, बल्कि इसी के ऊपर थोड़ा सा बल्सामिक विनेगर और थोड़ा सा नमक आप डालें तो बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है. कॉटेज चीज़ के साथ अगर खाएं तो इट्स अ वेरी वेरी नाइस लाइट सैलड. लेमन का मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ. अब कैसे लगाने में तो मुझे सूट नहीं करता इतना, लेकिन
कंज्यूम करने में मेरे लिए ये बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ होती है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में 2 या 3 दफ़ा गर्म पानी में सिंपल लेमन डाल के या थोड़े से पुदीने के पत्ते साथ डाल दिए और उसको कंज्यूम कर लिया। लोग कहते हैं ग्रीन टी बहुत अच्छी है अच्छी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। सो ग्रीन टी को यूज़ करें वंस और ट्वाइस अ डे, बट ट्राई टू पुट लेमन इन इट, तो उससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। शहद का मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि चीनी, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, शुगर को मैं अवॉइड करूँ और शक्कर या शहद का इस्तेमाल करूँ। बट कहते हैं कि शहद को अगर पकाएं तो उसकी इफादियत कम हो जाती है। सो ये कुछ चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ। ऑल्सो जो आप प्रोटीन यूज़ करें, कोशिश करें कि वो ऑर्गेनिक हो, यानी कि फार्मी मुर्गी या इस किस्म की चीज़ों को आप अवॉइड करें। मछली का मैं 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में मिनिमम इस्तेमाल करती हूँ। सो हर चीज़ को बैलेंस में लेके चलना है। मैं आपको कोई मैजिकल फार्मूला नहीं बता सकती कि भाई आप ये करेंगे तो आपका ये साइज़ हो जाएगा। एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल, रोटी अगर मैंने खानी है मैं खाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो रोटी हो जिसमें चोकर एडिट हो और जिसके अंदर ग्रेन्स हो, मैदे की रोटी ना बनी हो जो आजकल हमें मार्केट में मिलती है। नॉर्मल रोटी बनाई, छोटी सी एक चपाती बना ली और उसके साथ सालन खा लिया। चावल खाने हैं, वाइट खाएं या ब्राउन खाएं, जौन से भी खाने हैं। बाय द वे ये भी प्रूव हुआ है कि ब्राउन राइस बस ड्रामा ही है, मतलब एक्चुअली दोनों की एक ही सिचुएशन होती है, वाइट या ब्राउन राइस। तो आधा कप उबले हुए चावल आप किसी भी सालन के साथ खा लें, थोड़ा सा अपने ग्रेवी के कॉन्टेंट को ज़्यादा कर दें, और अगर आपने इतना सालन डाला है और एक इतनी सी रोटी डाली है तो इतना उसके साथ सैलड डाल लें और खा लें। और सैलड कितना मुश्किल है बनाना, टमाटर काट लिए, खीरे काट लिए, थोड़े से उसमें आपने ऑलिव्स डाल दिए, प्याज डाल लिया आपने, थोड़ा सा उसके अंदर सलाद का पत्ता डाल लिया। जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हों उनको यूज़ करें। और हाँ, अगर ऐसी सब्जियां हैं जिनको पकाना है तो उनको ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक्ड सब्जीज जो हैं उनमें कोई भी मिनरल्स और विटामिंस नहीं रहते। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड ऑल्सो दिन में एक केला किसी को कोई हार्म या डैमेज नहीं करता। लोग कहते हैं केले से मोटापा होता है, ये बिल्कुल झूठ है। केले में पोटेशियम होती है, अगर आप दिन के शुरुआत में केले को खाएंगे तो एक तो जनरली आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बट आपके अंदर अगर वाटर रिटेंशन हुई भी है तो उससे कम हो जाएगी। केले में और आलू में पोटेशियम की वजह से यह आपके अंदर की वाटर रिटेंशन को कम करता है। सो बहुत से लोग जो हैं वो मोटे नहीं होते, लेकिन वाटर रिटेंशन की वजह से थोड़े से चबी लगते हैं। सो उनके लिए ये बहुत अच्छी टिप है। देखें, लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना या हेल्दी बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आपकी बॉडी ने आपके साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है। अब आप उसके साथ कितना काइंडली चलते हैं या नहीं चलते, इट इज़ योर डिसीजन। मुझे हमेशा हैरत इस बात पे होती है कि हम किसी गेस्ट को पहली दफ़ा मिलते हैं तो हम इतना टाइम देते हैं, इतनी अटेंशन देते हैं, अच्छे से अच्छे खाने उनके सामने रखते हैं, लेकिन वो इंसान जिसके साथ आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, यानी कि अपना आप आखिरी सांस तक, उसको हम टॉर्चर करते रहते हैं। सो अपनी बॉडी में ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ें डालें, खाएँ पिएँ, ज़िंदगी को इन्जॉय करें। मैं 7 बजे के बाद खाना नहीं खाती क्योंकि मैंने 10-10:30 बजे सो जाना होता है। सो आई ट्राई कि मैं लेट नाइट जो है वो ना खाना खाऊं। 7 बजे खाना खा लेती हूँ, 10-10:30 बजे सो जाती हूँ। और अगर किसी दिन मैंने बाहर डिनर पर जाना हो तो फिर खाने के 3 घंटे तक मैं नहीं सोती, क्योंकि वो भी जब आप खाना खाते हो तो यहाँ पे चढ़ जाता है और उसकी एसिडिटी भी होती है और वेट गेन का भी रीज़न होता है। एंड एक्टिव रहना है, 30-45 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करें, होपफुली आपका लाइफस्टाइल भी हेल्दी और हैप्पी होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और हाँ, मेरे YouTube के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपको पसंद आ रहा होगा ये जो मैंने एक एफर्ट किया है YouTube के ऊपर। अच्छा, मैंने नोटिस किया कि सबसे ज़्यादा आपको पसंद आ रही है मेरी वो वाली वीडियो जिसमें मैंने बेसिकली आपके साथ शेयर किया है कि मैंने 70 पाउंड्स कैसे लूज़ किए। तो मैंने सोचा कि बहुत सी डिफरेंट डाइट प्लान्स को मैंने फॉलो करने की कोशिश की। इनिशियली तो मैंने वेट उतार लिया, लेकिन आपको पता है लास्ट 10-15 पाउंड्स जो हैं अक्सर इंसान को तंग करते हैं। सो मैंने कीटो डाइट को ट्राई किया और 3 मंथ्स के लिए उसको किया, और मैं आपके साथ कीटो डाइट शेयर करना चाहूँगी। बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कीटो डाइट है क्या। ओके, सो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि किस मिकदार में क्या चीज़ आप ले सकते हैं। तो अगर आपकी कैलोरीज आपको 1200 कंज्यूम करनी है या 1500 करनी है, डिपेंड करता है आप मर्द हैं कि औरत हैं, आपका वेट साइज़ क्या है। और बाय द वे इसके कैलकुलेटर्स आपको ऑनलाइन मिलते हैं,
कि आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है अपनी कीटो डाइट पे, आपके वेट, बॉडी टाइप और इन सब चीज़ों के हिसाब से, मेल है कि फीमेल है। अब 70% इस डाइट में आपने तेल या ऑयल्स या फैट कंज्यूम करना है, 20% आप प्रोटीन खा सकते हैं और 10% आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। अब कितने ग्राम्स किस चीज़ के ले सकते हैं, मैक्रोज माइक्रोज, ये सब चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप इसको प्रॉपरली रिसर्च करें ऑनलाइन तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस। बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कौन से ऑयल्स पाकिस्तान में रहते हुए हमें यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले तो देसी घी पाकिस्तान में वाफिर मिकदान में आपको मिल जाता है, तो देसी घी यूज़ हो सकता है। मक्खन, लेकिन देसी मक्खन, वो वाला मक्खन नहीं है जो आपको बाज़ार वगैरह से मिलता है, मतलब यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर प्योर देसी मक्खन यूज़ करें तो वो बेहतर है। देन कोकोनट ऑयल यानी कि खोपरे का जो तेल है वो हमें मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है, एंड एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। अब ये आ गई वो ऑयल्स जो हमें आराम से मिल जाते हैं। अगर आप कहीं बाहर से या कहीं से एमसीटी ऑयल मंगवा सकते हैं तो बेस्ट है। अब आपने करना ये है कि जब आप, मतलब आपको बेसिक लॉजिक देती हूँ, जब भी हम किसी भी चीज़ को खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है तो वो बड़ी हैवी महसूस होती है और थोड़ी सी मकदार से ही हमारा पेट भर जाता है। कीटो डाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पेट, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह अक्सर होता है ना डाइटिंग कर रहे होते हैं तो लगता है, मुझे तो लगता है कि जैसे कुआं है मेरे पेट में और उसमें जो भी डालो पेट नहीं भरता, लेकिन कीटो डाइट पे आपका पेट भरा हुआ भी होता है, आप सेटिस्फाइड भी होते हैं, आपका एनर्जी लेवल भी हाई होता है। और कीटो के बाद जो मेंटेनेंस डाइट जिसको पेलियो डाइट भी कहते हैं वो भी बड़ी इजीली हो सकती है। अब पेलियो क्या है उसकी तरफ मैं किसी और वीडियो में आऊँगी, अभी मैं बेसिकली आपको कीटो के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। सो कीटो डाइट एक ऐसी डाइट है जो बड़े आसान से की जा सकती है, लेकिन इस डाइट को करने से पहले अपने पूरे टेस्ट करवा लें कि आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, आपको कोई फैटी लिवर या कोई इस किस्म के मसाइल तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई मेडिकल मसाइल हैं, डायबिटीज़ या इस किस्म की कोई चीज़, तो पहले अपने डॉक्टर से रुजू करके इजाज़त ले लें, उनको बताएं कि जी मैं कीटो डाइट करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ और ये चीज़ें करनी हैं। उसके बाद कीटो डाइट जब हम शुरू करते हैं तो एक चीज़ होती है कीटो फ्लू, यानी कि सर में भी बड़ी शदीद दर्द होती है, तबीयत भी ख़राब होती है, लेकिन ये 2 से 3 दिन की एक फटीग है, उसके बाद इंसान ठीक हो जाता है। सो उस कीटो फ्लू से जब आप गुजर जाते हैं और आपकी बॉडी जब कीटोसिस में चली जाती है तो वो शुगर और बाकी चीज़ों को इस्तेमाल करने के बजाय फैट को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है फ्यूल के लिए यानी कि एनर्जी के लिए। फ़ायदा क्या होता है कि आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो उसको इस्तेमाल करती है और आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे 5-5, 6-6 पाउंड एक हफ्ते में लोगों के उतरे हैं, लेकिन हेल्दी तरीका यही है कि 2 से 3 पाउंड अगर आपका वेट ज़रा ज़्यादा है तो आपके कम हों। और इस डाइट को करना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि लाइक आई सेड बहुत भूख नहीं लगती। अब क्या करें, नाश्ते में आप अंडों का ऑमलेट खा सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि यार ऑमलेट खाना है तो जर्दी निकाल दें। जर्दी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जर्दी आपके लिए अच्छी है, उसके अंदर जो फैट है वो आपके लिए अच्छा है। आपने 2 अंडे का ऑमलेट खा लिया, उसमें चीज़ भी डाल ली पनीर, और उसके अंदर आपने, और बाय द वे लो फैट नहीं डालनी, ये जो हमारी मेंटालिटी है ना कि जो भी चीज़ हम खरीदते हैं हम लो फैट खरीदते हैं, आपने लो फैट नहीं लेना, फैट अच्छा है। इस डाइट में फैट इज़ योर फ्रेंड, फैट इज़ नॉट बैड, ये प्लीज़ वो जो कहते हैं ना अपने पल्ले से बांधते। अब आपने क्या किया कि आपने एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल थोड़ा सा उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, बना उसको कोकोनट ऑयल में लिया और आपने ऑमलेट खा लिया। उसके बाद आपने क्या किया कि लंच में आपने जो है, मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ी सी सब्जियाँ और छोटा सा पीस एक प्रोटीन का लेके उसको बहुत ज़्यादा बटर के अंदर, और मुँह में पानी भी आना शुरू हो गया, और धड़ा मिर्च डाल दी और थोड़ी सी, मतलब जो आपको जितना पोर्शन की इजाज़त है उस चीज़ को बड़े मज़े का बना लिया। बाय द वे मैं निहारी भी खाती हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोकोनट फ्लावर लेके जो खोपरा होता है वो, और वो ग्रेन जिनकी आपको इजाज़त है या आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, उनके साथ एक छोटी सी चपाती बना ली, उसको बहुत क्रिस्पी कर लिया, या आमंड फ्लावर के साथ एक छोटी सी ब्रेड की पीस बना लिया और निहारी बना ली, लेकिन उसमें जो एंड में मैदा, या कुछ लोग मैदा डालते हैं कुछ लोग आटा डालते हैं उसको थिक करने के लिए, आपने वो नहीं डालना। निहारी आपके लिए परफेक्टली हेल्दी है, उसमें फैट भी है, उसमें ग्रेवी भी है। अच्छा, उसके बाद रात को आपने क्या खाना है, कोई भी चीज़ जो आपके घर में बनी हुई है, दाल नहीं ले सकते, सब्जियां बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं ले सकते, लेकिन आप रात को इतने ज़्यादा खीरे ले लें, उसके ऊपर ऑलिव ऑयल और नींबू और थोड़ा सा नमक काली मिर्च डाल के उसका एक छोटा सा सैलेड बना लिया, साथ में आपने छोटा सा एक पीस बीफ का ले लिया, उसको चॉप करके जिस तरह बीफ चिली ड्राई नहीं बनाते,
वो आपने बना लिया हरी मिर्चें और ऑयल पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपने रोटी, चावल, चीनी, मैदे से बनी हुई अच्छा ग्रेन्स, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। डार्क चॉकलेट भी आप खा सकते हैं, 70% वाली जो होती है, आइडियली शुगर फ्री, अगर आप चाहें एक पीस या दो पीस उसकी। आप सोचें कि आप चॉकलेट भी खा सकते हैं, आप पिस्ते, बादाम, नट्स भी खा सकते हैं, मुट्ठी भर बादाम भी आप खा सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली आपको नहीं अलाउड होती आपने आप खा सकते हैं। सो कीटो डाइट 2 से 3 महीने के लिए अगर आपने करनी है, अगर आपको डॉक्टर ने क्लियर कर दिया तो आप ज़रूर करें। अच्छा, अब इसमें स्पेशल कौन सी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, 3 बातें मैं पॉइंट आउट करूँगी। 1, पानी, पानी और पानी, बहुत ज़्यादा पानी पीना है। जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी और ग्लो भी आएगी। सेकेंडली, मल्टीविटामिन ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आप इतना ज़्यादा फैट और दूसरी चीज़ें ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर कोई ना कोई विटामिन डिफिशेंसी होगी। तो विटामिन कोई ना कोई ज़रूर, एक अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनी की मल्टीविटामिन ज़रूर लें। और तीसरी बात, अगर वज़न फंस जाता है और समझ नहीं आ रहा कि क्यों फंस रहा है, तो सबसे बड़ा रीज़न तो उसका ये है कि शायद आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि गोश्त या चिकन या फिश या जो भी, एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा हो सकता है आपकी बॉडी ज़रा यूज़ टू हो गई हो, तो उसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो आगे जाके एट सम पॉइंट बनाऊंगी, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन जाके सर्च करें कि हाउ टू इंटरमिटेंट फास्ट, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई गेस मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है। फैट डाइट्स आती हैं, चली जाती हैं। एक ज़माने में एटकिंस बड़ी इन थी, साउथ बीच बड़ी इन थी, फिर HCG से वेट कम करना बहुत इन सा। हर किस्म की डाइट आती है, चली जाती है, और कुछ देर के लिए हर डाइट वर्क करती है। अल्टीमेटली जो चीज़ वर्क करती है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। पानी 8 से 10 ग्लास, मतलब अगर गर्मियां हैं तो 12 ग्लास भी आप पी सकते हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, फिजी ड्रिंक्स को अवॉइड करें, कोशिश करें कि कम से कम गंद और आर्टिफिशियल चीज़ें और प्रोसेस चीज़ें कम से कम अपने सिस्टम में डालें, और एक बैलेंस्ड डाइट को लेके चलें। अगर आपने अपने आइडियल वेट को रीच कर लिया है तो अपने आप को मेंटेन करें। अगर आपको लगता है कि 2-3 पाउंड बढ़ रहे हैं नॉर्मल वेट से, तो उसी वक्त वो जो कहता है ना, अपने आप को खींच ले। मुझे कहते हैं कि पहले इतनी चबी होती थी, कैसे मेंटेन करती हूँ, ऐसे ही तो मेंटेन करती हूँ। मेरा जैसे ही वेट ज़रा सा एक्स्ट्रा बढ़ने लगता है, मैं अपने आप को रोक लेती हूँ। सो थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा बैलेंस और एक पॉजिटिव माइंडसेट, आई कैन गारंटी टू यू, यू लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। एंड ऑफ कोर्स कीटो डाइट अगर आप ट्राई करें तो अपनी फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देनी है, कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस भी, बिकॉज ये वीडियो तो एक मेरा पर्सनल काइंड ऑफ ब्लॉग होता है, जो मैं अपनी फीलिंग्स अपनी शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया, लेकिन आपकी फीडबैक से हो सकता है कि मैं बेहतर गाइडेंस अगली वीडियो में दे सकूँ। सो ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा एंड ट्राई द कीटो डाइट, अगर आपको डॉक्टर से परमिशन मिल जाए तो।